अपने मन को शांत करना कौन नहीं चाहता है। सारा दिन भाग दौड़ करने के बाद हर कोई चाहता है शांति को तलाश करना। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत करना सीखेंगे। शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार से। सुकरात कहते हैं कि अपने अंदर झांकिए, अपने दिल की सुनिए, जब तक अंदर की आवाज नहीं सुनेंगे शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसी विचार को माध्यम बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर दिमाग शांत नहीं रह पाता है। आपको मन शांत नहीं रह पाता है। दिमाग को शांत कैसे करें या मन को शांत कैसे करें, यह प्रश्न हर किसी के दिमाग में आता ही है और उसके बाद इसके उपायों को भी सर्च किया जाता है, लेकिन अभी तक दिमाग को शांत करने का कोई भी वैज्ञानिक तरीका उपलब्ध नहीं है जो वास्तव में आपको मन को शांत कर सकता हो। सब लोग बस कुछ टिप्स बताते हैं, लेकिन टिप्स से दिमाग को शांत करना आसान काम नहीं है। इस लेख के अंदर हम आपको सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने दिमाग को शांत कर सकते हो और इसके लिए क्या क्या तरीके उपलब्ध हैं। यदि आप इन तरीकों को अच्छे से फॉलो करोगे तो निश्चय ही आपका दिमाग शांत हो जाएगा, क्योंकि यह तरीके पूरी तरीके से वैज्ञानिक हैं जिनको आप खुद भी समझ सकते हैं। दिमाग अशांत होने या मन अशांत होने का मतलब क्या है? दोस्तों, दिमाग अशांत होने का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव विचारधारा जो कि आपके दिमाग के अंदर बार बार एक्टिव हो रही है, मतलब उसका आवश्यकता से अधिक बार एक्टिव होना। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। याद रखें, आपका दिमाग हमेशा पॉजिटिव चीजों की वजह से अशांत नहीं होता है, वरन इन चीजों से तो आपके दिमाग को खुशी मिलती है, लेकिन नेगेटिव चीजें आपके दिमाग को अशांत बना देती हैं और इसके अंदर भी वे नेगेटिव चीजें आती हैं जो आपके दिमाग पर गहरा असर कर सकती हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी लड़की से बहुत अधिक प्यार करते हैं और यदि अचानक से वह लड़की आपको धोखा देकर किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाए तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा और बार बार आपके दिमाग में उस लड़की का विचार आएगा। आप कहीं पर भी जाएंगे, वहीं पर ही आपके दिमाग में वह लड़की ही लड़की आएगी। आपको कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। इसी तरीके से यदि किसी इंसान का बिजनेस अचानक से डूब जाए तो उसके मन को गहरी चोट लगती है, इस वजह से उसका दिमाग अशांत हो जाता है। सो दिमाग अशांत होने का मतलब होता है कोई भी नेगेटिव विचार जो आपके दिमाग के अंदर बार बार आता है और आप उससे परेशान हो चुके हैं तो उसे दिमाग की अशांति के नाम से जाना जाता है। दिमाग अशांत होने के कारण, दोस्तों, दिमाग के अशांत होने के पीछे कई कारण होते हैं। दिमाग को शांत करने या मन को शांत करने के उपायों के बारे में जानने से पहले आपको दिमाग के अशांत होने के कारणों के बारे में जानना चाहिए, ताकि आप दिमाग की अशांति को बेहतर तरीके से समझ सकें और अच्छे उपाय भी कर सकें। सामाजिक कारण, दोस्तों, दिमाग की अशांति कई बार सामाजिक कारणों की वजह से भी होती है। इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे यदि कोई आपसे झगड़ा कर रहा है तो भी आपका दिमाग अशांत हो सकता है। इसके अलावा यदि आपके परिवार के अंदर कोई बीमार हो गया है अथवा खत्म हो गया है तो इसका भी दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि सब लोगों का दिमाग सामाजिक कारणों से अशांत नहीं होता है, इसमें अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग सामाजिक चीजों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, हमेशा ऐसे लोगों का दिमाग ही सामाजिक कारणों से अशांत होता है। आपके परिवार के अंदर कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो काफी संवेदनशील होते हैं, तो ऐसे लोगों का दिमाग इस वजह से अशांत होता है। जबकि कुछ लोग किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करते हैं, मतलब वो सामाजिक रूप से अलगावी होते हैं। इस संबंध में हमारी भाभी है जो सामाजिक रूप से काफी जुड़ी हुई है, इस वजह से जब भी किसी परिवार के सदस्य को कुछ हो जाता है तो वह काफी घबरा जाती है, उसके बाद उसे कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। आर्थिक कारण, दोस्तों, आर्थिक कारण भी आपका दिमाग अशांत कर सकता है और आज के समय में यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोगों का दिमाग अशांत रहता है। एक गरीब इंसान का दिमाग हमेशा यह सोचकर अशांत रहता है कि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वह अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। इसके अलावा कुछ लोग कर्ज के अंदर डूबे हुए होते हैं। कल परसों एक लड़के ने मेरी वेबसाइट पर कमेंट किया और बोला, सर, क्या ऐसा कोई उपाय हो सकता है जिससे कर्ज में मुक्ति मिल सके, नहीं तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा।
इस तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं। उनके कोशिश करने के बाद भी वे कर्ज को नहीं उतार पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का दिमाग तो अशांत होगा ही, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग जो कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं उनका दिमाग अशांत होगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इसकी परवाह नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट भी नौकरी पाने के चक्कर में अपने दिमाग को अशांत किए हुए हैं, जो कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है। यदि आर्थिक कारण की वजह से आपका दिमाग अशांत है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर न डालें और हमेशा सोचें कि जो होगा देखा जाएगा। मानसिक कारण। दोस्तों, दिमाग अशांत होने का या मन अशांत होने का मानसिक कारण भी होता है। मतलब दिमाग के अशांत करने का प्रत्यक्ष कारण मानसिक होता है। उदाहरण के लिए, आप कहीं जा रहे हैं और आप अपने घर पर ताला लगाकर जा रहे हैं। आपके मन में यह टेंशन सी हो जाती है कि कहीं से कोई सामान चोरी ना हो जाए, और बार बार आपके दिमाग के अंदर इस प्रकार का विचार आने लगता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपका दिमाग अशांत हो जाएगा। इस तरह की बेकार की टेंशन का होना ही तो दिमाग अशांत होना कहलाता है। इसके पीछे मानसिक और शारीरिक कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। बहुत से लोगों में यह देखा गया है कि वे किसी न किसी चीज की बेकार में टेंशन कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग बैठे बैठे ये सोचने लगते हैं कि उनका भविष्य के अंदर क्या होगा, और काफी बुरा सोचते हैं। ऐसा वे लंबे समय तक करते हैं तो उनका दिमाग अशांत हो जाता है। दिमाग अशांत होने पर दिमाग की आंतरिक प्रोसेस क्या है? दोस्तों, किसी भी समस्या को वैज्ञानिक ढंग से सुलझाने के लिए उस समस्या की तह तक जाना होता है। यदि आप उस समस्या की जड़ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर इसका मतलब है आप उसे कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। जब आपका दिमाग अशांत होता है तो आपके दिमाग के अंदर विचारों की प्रक्रिया के अंदर बदलाव होते हैं। क्या आपने इस बात को कभी नोटिस किया है? यदि नहीं किया है तो इस बात के बारे में हम आपको बता देते हैं। न्यूटन का एक नियम है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा के अंदर प्रतिक्रिया होती है। उसी तरीके से दिमाग के अंदर एक नेगेटिव विचार और दूसरे पॉजिटिव विचार होते हैं। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर काम करते हैं। जिस तरीके से गाड़ी के अंदर ब्रेक गाड़ी की स्पीड के विपरीत दिशा के अंदर काम करता है। अब यदि गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएं तो क्या होगा आप जानते ही हैं। आपके दिमाग में बार बार आने वाले नेगेटिव विचार इस बात को बताते हैं कि पॉजिटिव विचार मतलब आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, इस वजह से यह रुक नहीं रही है। यदि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो वह कहीं पर टकराकर रुक जाती है। लेकिन दिमाग में ऐसा टक्कर संभव नहीं है। मतलब दिमाग अशांत तब होता है जब किसी भी नेगेटिव विचार पर पॉजिटिव विचार का कंट्रोल समाप्त हो जाता है। ऊपर दी गई चीजों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक उदाहरण का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्यार करता है और अचानक से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, जिससे उसको गहरा सदमा लगता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर उसके दिमाग में क्या चलेगा? निश्चय ही उसके दिमाग के अंदर पहले अपने पत्नी के जो पॉजिटिव प्रभाव हैं वो नेगेटिव बन जाएंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और इस वजह से बार बार उसके दिमाग के अंदर एक ही विचार आएंगे। मतलब इस वजह से उसका दिमाग बुरी तरीके से अशांत हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा उसके दिमाग के अंदर कंट्रोलर प्रभाव सक्रिय होंगे। हालांकि यह सब धीरे धीरे होंगे, उसे यह महसूस होगा कि अब रोने में कोई फायदा नहीं है, उसकी पत्नी रोने से वापस नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर काफी समय लग सकता है। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि दिमाग अशांत कैसे होता है। मतलब जब हाई अमाउंट नेगेटिव प्रभाव आपके दिमाग में क्रियाशील होने लगते हैं तब आपका दिमाग अशांत हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि यह सब नेगेटिव विचार की वजह से ही होता है।